इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको ये बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ईरानी राष्ट्रपति के काफिले का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बचाव टीम हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिल रही है, हार्ड लैंडिंग की जानकारी है। और ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो रेस्क्यू टीम है वो बचाव टीम जो है वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की इस समय कोशिश कर रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई है, ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में सवार थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और बचाव टीम जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति रईसी हेलीकॉप्टर में सवार थे और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव टीम जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाके में हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे और दौरे के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की हालत क्या है, किस और दुर्घटना कितनी बड़ी थी, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में अभी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि इब्राहिम रईसी उस हेलीकॉप्टर पर सवार थे और उस हेलीकॉप्टर के और वो उत्तर पश्चिमी इलाके में जो कि अजरबैजान से जुड़ा हुआ है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, हालांकि जो राहत और बचाव की टीम है वो उस जगह पर भेजी गई है, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया और जो ईरान सरकार के जो सरकारी सूत्र और उनके तरफ से आधिकारिक तौर पर इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी दी गई है। तो ईरानी राष्ट्रपति अजरबैजान की यात्रा पर थे, बताया जा रहा है कि ईस्ट अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका हेलीकॉप्टर। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं, लेकिन सुमित के पास जाएं उससे पहले एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो ये कि ईरान से जो बड़ी जानकारी है वो ये कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति हैं ईरान के वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके साथ कुछ और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी थे, अजरबैजान की यात्रा पर गए थे। पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका विमान, हालांकि बचाव टीम अभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ गए हैं। सुमित, ये क्या जानकारी मिल रही है उस इलाके के बारे में, किस तरह का मौसम था, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है उस इलाके के बारे में जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर, वहां कितना समय लगेगा पहुंचने में, या और कोई जानकारी अगर वहां से मिल रही हो? देखिए सुमेरा, अभी जो आधिकारिक लगातार जानकारी वहां से ये मिली है कि एक MiG-17 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर के अंदर ना सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे बल्कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी उसके अंदर मौजूद थे, हसैनी अमीर अब्दुल्लाही उसमें मौजूद थे। ये हार्ड लैंडिंग है, अभी तक इसकी क्रैश लैंडिंग की पुष्टि नहीं है, ये हार्ड लैंडिंग कहा जा रहा है। इसके बारे में और भी जानकारियां अभी तक निकाली जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक हार्ड लैंडिंग के तौर पर कहा जा रहा है कि इसने एक, आप कह सकते हैं कि इसको अगर आप आसान शब्दों में समझे कि एक कच्चे रास्ते पर या फिर ऊबड़ खाबड़ के इलाके में या फिर एक रॉ एरिया के अंदर इसने लैंडिंग की है, अब तक यही जानकारी मिली। तो समित, हम अपने दर्शकों को अगर आसान भाषा में बताएं तो ये कि वहां पर हेलीपैड नहीं था क्योंकि उन्हें लैंड करना पड़ा है, तो किसी ऐसी जगह पर लैंड करा है जहां प्रॉपर एक हेलीपैड नहीं था, तो किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर या किसी खेत में या किसी ऐसी जगह पर लैंड हुआ है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड लैंडिंग। वो जानकारी मिल रही है अभी तक जो जानकारी है। रेस्क्यूअर्स पहुंच रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था वहां पर जो बचाव के लिए या जो राहत पहुंचाने के लिए लोग हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई भी कोई जानकारी क्या मिल रही है? देखिए अभी तक लगातार कहा जा रहा है कि टीम जो है वहां पर पहुंच रही है, कौन कौन लोग उसमें है क्योंकि अभी तक लोगों के बारे में भी जानकारी नहीं बताई गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये एक हार्ट लैंडिंग है और इसके अंदर ना सिर्फ जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो मौजूद थे बल्कि इसके अलावा इसके अंदर बाकी लोग यानी वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। अभी और चीजों के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस एक्सीडेंट के बाद कई लगातार इनको तलाशने की और लगातार चीजों को करने की भी तलाश की जा रही है। जी, हमारे साथ मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, कब भी रुक करेंगे और जानेंगे और क्या जानकारी मिल रही है। सुमित, साथी कौन सा हेलीकॉप्टर था, किस तरह का हेलीकॉप्टर था ये जिसमें सफर कर रहे थे, क्या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है?
देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर मैं आपको बता रहा था, वैसे तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार रूस की तरफ से बनाया गया है, लेकिन ईरान को कई चीजें मौजूद है। MI हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर करीबन, मैं आपको बताऊं क्योंकि कई बार मैं भी इसमें ट्रैवल कर चुका हूं, भारत में भी ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन अमूमन इस हेलीकॉप्टर्स के अंदर करीबन 15 से 20 लोगों की कैपेसिटी होती है, और ये काफी कह सकते हैं कि लो लेवल के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म उसके ऊपर भी ये ट्रैवल कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जी, तो MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान, जो जानकारी मिल रही है, जो सुमित हमें बता रहे हैं, और जो जानकारी अभी तक ईरानी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि ये हार्ड लैंडिंग है, लेकिन वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उनके साथ कुछ और अधिकारी, उच्च अधिकारी मौजूद थे, विदेश मंत्री भी साथ में मौजूद थे, ये जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन अभी क्या स्थिति है, उन तक क्या संपर्क हो पाया या नहीं, और पुख्ता जानकारी जमीनी क्या सामने आ रही है, वो अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको एक बार फिर से बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान के दौरे पर थे। पूर्वी अजरबैजान में उनका हेलीकॉप्टर MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग की गई है इस हेलीकॉप्टर की, उसमें इब्राहिम रईसी के साथ कुछ और बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिसमें विदेश मंत्री भी ईरान के सवार थे, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये हार्ड लैंडिंग है, इस वजह से वहाँ पर लैंड करने के बाद अब जो बचाव टीम है वो पहुँचने की कोशिश कर रही है। जो ये इलाका है, ये जो टेरेन है, इसके बारे में भी बात करते हैं। सुमित, क्या ये जो इलाका है, ये जो टेरेन है, उसके बारे में कोई और जानकारी अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि अजरबैजान की यात्रा कर रहे थे, पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या हार्ड लैंडिंग की है MI-17 हेलीकॉप्टर ने। देखिए, ये हेलीकॉप्टर की बात कर लें या फिर इलाके की बात कर लें, ईस्टर्न अजरबैजान का जो इलाका है बहुत उबड़ खाबड़ इलाका रहता है, खासतौर पर अगर इसकी बात की जाए तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशंस में पहुंचने के लिए, क्योंकि डेंसली फॉरेस्टेड एरिया भी कहा जा रहा है, तो अभी वक्त लगेगा, और यही वजह है कि अभी तक कोई संपर्क सीधे तौर पर नहीं हो पाया है। इम्पोर्टेंट ये है कि टीम जो है वो लगातार इनको निकालने के लिए, फिर इनसे संपर्क करने के लिए कहा यह भी जा रहा है कि ऑफिसर्स ने फोन कॉल किया है, उनसे संपर्क बनाया गया है, और अभी तक किसी के भी मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं है, कोई खबर नहीं है। सुमेरा जी, हाँ, तो हमारे साथ लगातार बने हुए सुमित जानकारी दे रहे थे ये कि फिलहाल काफले का जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। अजरबैजान की यात्रा पर थे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उनके साथ कई और बड़े अधिकारी मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटना हुई है, हार्ड लैंडिंग हुई है, ईरानी मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अल अरबिया के हवाले से खबर सामने आई है, यानी ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। ईरानी मीडिया और तमाम और जो साइट्स हैं वो अलग अलग दावे हालांकि कर रहे हैं, लेकिन अजरबैजान यात्रा के दौरान पूर्वी अजरबैजान में हेलीकॉप्टर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है। हमारे साथ मनीष एक बार फिर जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल जो जानकारियां हैं वो अलग अलग तरह की निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो ये बता रहा है कि पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हार्ड लैंडिंग हुई है इस हेलीकॉप्टर की। आम तौर पर जब राष्ट्रपति सफ़र करते हैं तो उनके साथ कई हेलीकॉप्टर होते हैं या उनके साथ एक बड़ा एंटोराज होता है, ज़्यादा अधिकारी और जो मंत्री हैं वो मौजूद होते हैं। क्या और जानकारी से जुड़ी हुई मिल रही है, कितने लोग थे, क्या सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर था, कितने अधिकारी थे, कौन मंत्री था? मैं समझ सकती हूँ कि सारी जानकारी अभी आपके पास भी नहीं होगी, हल्की हल्की जानकारी आ रही है, लेकिन क्या कुछ आपको पता लग रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये कहा जा रहा है और वो ईरान के जो सरकारी टेलीविजन है उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति का जो काफिला था जिसमें कई हेलीकॉप्टर थे उसमें से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर पर कौन सवार थे, क्या राष्ट्रपति थे या कोई दूसरा था, इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये इस बात की पुष्टि कर दी गई है ईरान के सरकारी टेलीविजन के माध्यम से भी कि उनके काफिले का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और उस हेलीकॉप्टर की क्या कंडीशन है, क्या जिस हेलीकॉप्टर पर ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, जिस हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री सवार थे, क्या वो सुरक्षित है या नहीं, इसकी अब तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये बात सच है कि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी केवल इस बात की पुष्टि की गई है कि ईरान के राष्ट्रपति का जो काफिला था जिस काफिले में कई हेलीकॉप्टर थे
उसमें से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति रईसी का था या फिर उनके काफिले में जो और लोग सवार थे उसमें से किसी एक का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है सुमेरा जी। और ये जब वो जा रहे थे उस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर या वापसी के दौरान हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? वो किस कार्यक्रम में गए थे, क्या और इससे जुड़ी हुई जानकारी हम अपने दर्शकों को इस समय बता सकते हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि ईरान के राष्ट्रपति पिछले दिनों अगर आप देखें तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच में तनाव के मद्देनज़र भी इस बात की काफ़ी संभावना थी कि उन पर भी खतरा था लगातार से, लेकिन अभी फिलहाल क्या ये मौसम की वजह से, किसी तकनीकी खराबी की वजह से इनका ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और या फिर उनके काफिले के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने में उस पर कौन कौन से सवार थे, निश्चित तौर पर ये एक अहम जानकारी है जिसका इंतजार इस वक्त करना पड़ेगा। हालांकि कहा भी जा रहा है कि उस इलाके में काफ़ी फॉग था, अब उस इलाके में फॉग होने की वजह से ये कुछ घटना घटी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान के उत्तर पश्चिम इलाके में ये घटना घटी है, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि वो ईरानियन टेरिटरी है और इसके साथ ही ईरानियन टेरिटरी के अलावा बहुत हद तक संभावना ये है कि काफिला का कोई और हेलीकॉप्टर हो, ना कि वो हेलीकॉप्टर जिस पर ईरान के राष्ट्रपति सवार हो। तो कुल मिलाकर यही है। लेकिन मनीष, अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है, दोनों ही बातें नहीं बताई जा रही हैं अभी ईरान में आधिकारिक तौर पर। अगर इब्राहिम रईसी सुरक्षित हैं, वो कहाँ हैं, उनसे संपर्क हुआ है या नहीं, इस तरह की भी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। बहुत ही नपातुला बयान वहाँ से सामने अभी तक आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर, उसमें कौन सवार था, कौन नहीं था, इब्राहिम रईसी सुरक्षित हैं या नहीं, उनके साथ बाकी जो लोग हैं वो कौन कौन थे, इसको लेकर कोई भी स्थिति साफ नहीं की जा रही है। तो बहुत ही नपातुला बयान इस वक्त ईरान से निकल कर सामने आ रहा है आधिकारिक रूप से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर पर थे वो सही सलामत हैं, वो हेलीकॉप्टर भी सही सलामत है और ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और वो वापस ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर हैं। और ये हम बड़ी बात है मनीष, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि हम लगातार उन्हें बड़ी बात बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हार्ड लैंडिंग हुई है, तो जो बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है, ये मनीष किस हवाले से खबर सामने आ रही है कि सुरक्षित है इब्राहिम रईसी? बिल्कुल, देखिए ईरानियन न्यूज एजेंसी SNN जो ईरान की एक न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का जो काफिला है अब वो वापसी में है, तेहरान आने के रास्ते में है और तबरीज आने के रास्ते में है, यानी कि जहां पर घटना स्थल हुई थी जो मैं आपको बता रहा था उत्तर पश्चिम इलाके, वहां से अब वो तबरीज के रास्ते में है। और इस वक्त जो खबर है, हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति का जो ये हेलीकॉप्टर है उनको लेकर जो जानकारी अब तक मिल रही थी निश्चित तौर पर बेहद संदेहास्पद है। अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, अलग अलग तरह की खबरों के मुताबिक साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि उनके काफिले में जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति का जो काफिला है उसका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अलग हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं, सुमित से भी जानकारी लेते हैं कि उनको क्या जानकारी मिल रही है। मनीष जानकारी दे रहे हैं सुमित की, वहाँ जो न्यूज एजेंसी है वो ये जानकारी दे रही है कि सुरक्षित हैं राष्ट्रपति ईरान के इब्राहिम रईसी और उनके एंटराज का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, हार्ड लैंडिंग हुई थी, लेकिन बाकी सभी सुरक्षित हैं। आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सुमेरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलाके में जहां पर ईस्टर्न कहा जा रहा है कि अजरबैजान का इलाका है, ये पहाड़ी का इलाका है, इसे कालीबार और वर्जरगाहन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी कि अभी तक इसमें तीन हेलीकॉप्टर थे, MI-171 ये हेलीकॉप्टर थे जो जिसमें अक्सर रईसी ट्रांसपोर्ट करते हैं लगातार अपने कॉन्वॉय। तीन हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं जिसमें से दो सेफली वापस आ गए हैं, लेकिन अभी जो हेलीकॉप्टर उनका था उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस हेलीकॉप्टर में मौत जो कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के साथ साथ जो हुसैनी है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, गवर्नर थे ईस्ट अजरबैजान के और कई उनके स्टाफ मेंबर्स उसमें मौजूद थे। तो अब तक ये जानकारी मिल पा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक उस इलाके में पहुंच पाना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि जो वेदर है बहुत फॉगी है, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा था कि पहाड़ी इलाका है और यही सबसे बड़ी चुनौती का विषय बन रहा है। ये इलाका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर पर लगता है, 600 किलोमीटर दूर है तेहरान के इलाके से, और ये इलाका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इन इलाकों से ट्रैवल किया जाता है, लेकिन क्योंकि आश वेदर
उधर है, पहाड़ियां बहुत बड़ी हैं, तो ये सबसे बड़ा चुनौती का कारण है कि वहां पर उनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसके लिए ना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स को बल्कि ड्रोन्स को भेजा गया है उस इलाके में लगातार सर्वेलेंस करने के लिए, ताकि उनको आइडेंटिफाई करा जा सके। सुमेरा जी हाँ, तो जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा इस तरह की टेरेन है जहाँ पर पहुंचना बहुत आसान नहीं होगा। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तीन हेलीकॉप्टर थे, तीन MI-17 जो कैरी कर रहे थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को और उनके साथ उनके पूरे एंटराज को, जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल थे, कई बड़े अधिकारी शामिल थे। और अब जानकारी जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन जो ये इलाका है पूर्वी अज़रबैजान का इलाका, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं क्योंकि अलग अलग तरह की जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अज़रबैजान के दौरे पर थे और पूर्वी अज़रबैजान का जो इलाका है वहां पर वो तीन, जो उनका काफिला था उसमें तीन MI-17 हेलीकॉप्टर थे। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी ये दावा कर रही है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सुरक्षित हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है, यानी ईरानी सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है। फिर भी जो एजेंसी है एक, उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ईरान की एक एजेंसी ये दावा कर रही है, तो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक एजेंसी का ये दावा है कि ईरानी राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और वो वापस राजधानी की तरफ आ रहे हैं। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अलग अलग तरह की जानकारियाँ सामने आ रही हैं, ईरानी न्यूज़ एजेंसी ये दावा कर रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान इस तरह का नहीं आया जिसमें बताया जाए कि इब्राहिम रईसी सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान हो या अज़रबैजान हो, उनके अलग अलग तरह की अलग अलग न्यूज एजेंसी या फिर ईरान के सरकारी बयान जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक चीज़ें साफ नहीं हुई है। ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, उस उनके काफिले में तीन हेलीकॉप्टर एक साथ चल रहा है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और इसके अलावा जो अभी तक खबर नहीं आ पा रही है कि क्या उन तक कॉन्टैक्ट किया गया है या नहीं, ईरान के राष्ट्रपति से अभी तक किसी का संपर्क नहीं हो पाया है और इसीलिए अभी सबको इंतजार है कि उनके काफिले की स्थिति क्या है, ये जान इसके बारे में संबंधित जानकारी मिल सके। सबसे अहम बात यह है कि खास तौर पर मनीष, जिस तरह का, जिसका आप भी जिक्र करते हैं, जिस तरह का तनाव है इस पूरे इलाके में इसराइल और ईरान के बीच, अमेरिका उसके बीच में मौजूद है, पूरे अरब वर्ल्ड में जिस तरह का तनाव बना हुआ है, ऐसे में जब ये खबर सामने आती है कि ईरान के राष्ट्रपति जिस काफिले में थे उसमें से एक हेलीकॉप्टर होता और उसमें से एक हेलीकॉप्टर इस तरह से हार्ड लैंडिंग हुई है, तो कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह के संशय हैं, कई तरह की जो जानकारियां हैं वो अलग अलग सूत्रों से निकल कर सामने आ रही है। इस वजह से कई तरह के इस वक्त संशय हैं कि दरअसल पुख्ता तौर पर क्या जानकारी है जिसको समझा जाए कि ये सही जानकारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तो ईरान और इसराइल की अदावत है, उसके अलावा ईरान और अज़रबैजान के भी संबंध अच्छे नहीं रहे थे, इसके बावजूद ईरान के राष्ट्रपति अज़रबैजान के दौरे पर थे और फिर उन्हीं इलाके में ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है। ये बाद में पता चलेगा जांच के बाद कि इसका कारण क्या है। फिलहाल अभी यही बताया जा रहा है कि उस इलाके में काफी फॉग था और वहां तक पहुंचने की मशक्कत करनी पड़ रही है तमाम राहत एजेंसियों को, यहां तक कि रेड क्रॉस की तरफ से भी कहा गया कि उनकी टीम भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो लोकल पुलिस और सिक्योरिटी की टीम है वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि तेहरान में या फिर तबरीज के इलाके में जो सरकारी विभाग है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के मनीष हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे भी बात कर लेते हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, MI-17 हेलीकॉप्टर था, तीन हेलीकॉप्टर थे काफिले में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के और उसमें से एक हेलीकॉप्टर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने हार्ड लैंडिंग की है। आधिकारिक रूप से अभी ईरान की सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि हार्ड लैंडिंग हुई है एक हेलीकॉप्टर की। लेकिन मैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, कितना सुरक्षित है ये हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें सवार थे इब्राहिम रईसी और उनका पूरा एंटराज? बिल्कुल सुमेरा, बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो MI-17 आए है, जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू जो MI-17 V5 जो हमारे पास है। ये फ्यूल टैंक जो है बिल्कुल सेल्फ सीलिंग टैंक है, हाइकोट्रॉल करके एक मटेरियल है उससे बना हुआ है और स्मॉल आर्म्स फायर से और क्रैश लैंडिंग वगैरह ये झेल सकता है। लेकिन जिस एरिया में ये क्रैश हुआ है उसका मैं गूगल अर्थ में देख रहा था, वो एरिया में किसी का बच पाना थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर लग रहा है। और मेरे न्यूज़ के हिसाब से
फॉरेन मिनिस्टर भी शायद रईसी साहब के साथ में थे, तो इन दोनों का बचना कितना संभव है ये हमें देखना पड़ेगा। और एक चीज जैसे मेरा इसमें और फॉग के अलावा और क्या एंगल है इस पे भी हमें जरूर आगे जाहिर सी बातें देखिए जिस तरह के हालात हैं इस वक्त मिडल ईस्ट में ईरान इसराइल के बीच जिस तरह का तनाव वहाँ पूरे इलाके में उसको लेकर कई तरह के और पहलू हो सकते हैं जिनके बारे में विचार करने की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल बता ये दें कि आपको कि आधिकारिक रूप से अभी ईरान की सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है सिवाय इसके कि एक हेलीकॉप्टर ने क्रैश हार्ड लैंडिंग की है ये जानकारी मिल रही है। MI-17-1 हेलीकॉप्टर है ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है MI-17I ये हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दो हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई है ये भी बताया जा रहा है। तीन हेलीकॉप्टर थे जिसमें से एक में इब्राहिम रईसी सवार थे, उनके साथ उनका पूरा एंटोराज था, विदेश मंत्री भी थे। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ हैं इब्राहिम रईसी, सुरक्षित हैं या नहीं, क्या उनका हेलीकॉप्टर था वो जिसने हार्ड लैंडिंग की है। ये जो टेरेन है, ये जो इलाका है जहाँ पर ये हार्ड लैंडिंग हुई है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर बहुत सुरक्षित हो सकता है लेकिन बताया जा रहा है कि फॉग था वहाँ पर, यानी मौसम साफ नहीं था। मनीष, विनोद ऑगस्टिन जी भी कह रहे थे कि जो टेरेन है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए और उसके पहले जो बाकी हालात हैं उनके बारे में भी। तो पहले हम टेरेन के बारे में बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि फॉग था लेकिन उसके अलावा किस तरह का ये इलाका है कि जहां पर ये हार्ड लैंडिंग हुई है। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेरेन काफी मुश्किल भरा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि जिस तरीके का हेलीकॉप्टर है, सामान्य तौर पर इस हेलीकॉप्टर को इन्हीं सब इलाकों में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है, ये स्किल ये उस तरह के का हेलीकॉप्टर इक्विप्ड है और सामान्य तौर पर इस बात का अंदेशा नहीं जताया जाता है। लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ भी हो सकता है और उसमें तकनीकी खराबी, वो चाहे स्वाभाविक तौर पर हो या फिर की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अब तक ईरान के राष्ट्रपति या विदेश मंत्री से फिलहाल तेहरान का कोई संपर्क नहीं हो पाया है अभी तक, चाहे ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी हो या फिर ईरान और आसपास के इलाके की किसी भी न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री या फिर उनके साथ उनके बॉडीगार्ड से तेहरान में, चाहे वो IRGC का हो या फिर ईरान के जो एयरफोर्स है उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट हुआ हो या फिर ईरान के प्रेसिडेंट हाउस से उनका किसी तरह का कांटेक्ट हुआ हो, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बस ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये दुआ भी की जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हों, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हों और उस काफिले के हर व्यक्ति सुरक्षित हों। लेकिन ईरान अभी तक की जो जानकारी मिली है और खास करके ईरान जैसे मुल्क में जहां पर आप जान रही हैं कि इंफॉर्मेशन को बहुत होल्ड करके रखा जाता है, वहां पर ये बात कही जा रही है कि ये बात सच है कि ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वो अजरबैजान के इलाके में। ये बात खास करके तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसराइल और अजरबैजान के बहुत अच्छे संबंध है, जब ईरान के इसराइल के साथ अदावत थे, ईरान के अजरबैजान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद उस इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होना, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तकनीकी जांच का विषय होगा कि कैसे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति किस हालत में है, क्या वो सुरक्षित है, जरूरी ये जानना है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें समझना और हालात कैसे भी हों वो सुरक्षित हैं या नहीं, ये ही इस वक्त जानना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उनके साथ वो तमाम लोग जो सफ़र कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। हालांकि ईरान से सभी तरह की जानकारियां, बहुत समय लगता है बाहर निकलने में, लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है वो यही कि ख़राब मौसम था, ख़राब मौसम में। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रेस्क्यू में दिक्कत होगी, कोहरे की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ख़राब मौसम है, फॉग था ये भी जानकारी दी जा रही है, और इसी वजह से ये हार्ड लैंडिंग हुई है कोहरे की वजह से ऑपरेशन में, लेकिन मौसम की वजह से ही दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। ख़राब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम के हवाले से खबर आ रही है कि पूर्वी अजरबैजान में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कहा यह जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है। हमारे साथ विनोद ऑगस्टिन जी मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टिन जी, पहाड़ी इलाका है ये, कोहरा भी था ये जानकारी मिल रही है, हम इसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे कि और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मनीष कुछ कह रहे हैं, माफ कीजिएगा विनोद ऑगस्टिन जी, पहले मनीष की बात सुन लेते हैं। जी मनीष, सुमेरा एक और जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक ये है कि जैसा उम्मीद भी था कि तेहरान से लगातार
राष्ट्रपति के काफिले को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और जो उनके कॉन्वे के जो लोग हैं, उनका चाहे फोन हो या फिर संचार के दूसरे नेटवर्क हो, उनसे कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो जो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति किस हालत में है या फिर ईरान के विदेश मंत्री किस हालत में है, इसके बारे में अब तक इसलिए नहीं कोई जानकारी मिल पा रही है क्योंकि उस हेलीकॉप्टर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनीष, बाकी जो दो हेलीकॉप्टर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक ही हेलीकॉप्टर की वहां पर जो हार्ड लैंडिंग है वो ही है, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात कही जा रही है कि तीन में से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन क्या बाकी जो दो हेलीकॉप्टर हैं वो उन्होंने वहीं आसपास में कहीं लैंडिंग की है, सेफ लैंडिंग की है और फिर दुर्घटना स्थल की तरफ वो भी रवाना हो गए हैं, या फिर वो पास के तबरीज शहर में पहुंचे हैं, इसके बारे में अभी अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कुछ एक एजेंसी का ये दावा है कि दो हेलीकॉप्टर ईरानियन शहर तबरीज में पहुंच गए हैं और वो सेफ हैं, या और जो पहुंच गए हैं उसमें कौन कौन से लोग सवार हैं इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन मनीष, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो इलाका, वो रीजन, क्योंकि बार बार टेरेन की बात हो रही है, यानी वो किस तरह का इलाका है, किस तरह का मौसम है, इस सब पर निर्भर करता है जो हार्ड लैंडिंग हुई है उसको लेकर। तो जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के जोल्फा में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है, ये जो इलाका है ये पूर्वी अजरबैजान का इलाका है, अजरबैजान के दौरे पर थे, पूर्वी अजरबैजान में ईरान के जोल्फा इलाके में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। ये जो पूरा काफिला था इसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, कई और बड़े अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। ईरान के जोल्फा में हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। लेकिन आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी आ रही है, ड्रोन से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है देखने के लिए कि दरअसल कहां पर है ये हेलीकॉप्टर जिसने हार्ड लैंडिंग हुई, जिसकी हार्ड लैंडिंग हुई है, क्योंकि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी कि लगातार संपर्क करने की कोशिश हो रही है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है। जोल्फा इलाका जहां पर हार्ड लैंडिंग हुई है ईरानी राष्ट्रपति के काफिले के हेलीकॉप्टर की, और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जानकारी जुटाने के लिए उस हेलीकॉप्टर के बारे में और ज़्यादा कि वो कहां पर हार्ड लैंडिंग हुई है, इस पर मनीष हमारे साथ और जानकारी दे रहे हैं, हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनीष, बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो तस्वीर भी हम लोग देख पा रहे हैं, जल्दी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस हादसे से ठीक पहले की तस्वीर, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति और अजरबैजान के राष्ट्रपति ये दोनों एक डैम के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी। तो ईरान के राष्ट्रपति और अजरबैजान के राष्ट्रपति दोनों ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर के पास एक डैम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन दोनों नेताओं की मीटिंग हुई थी, राष्ट्रपति रईसी और राष्ट्रपति अलीयेव की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद से फिर वहां से इनकी वापसी हुई थी, ईरान के राष्ट्रपति की वापसी हुई थी जब ये घटना घटी। तो कुल मिलाकर आप देखें, ईरान और इसराइल के इलाके में जिस टेरेन की बात कर रहे हैं आप, वहीं पर एक डैम का उद्घाटन होना था, वहीं पर ईरान और इसराइल के राष्ट्रपति की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के तुरंत बाद जब उनका काफिला वापस ईरान की तरफ लौटता है, उस वक्त खबर आती है। हमारे साथ यूएस राठौर जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, हमारे साथ निशांत भी जुड़ गए हैं, निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जो मनीष जानकारी दे रहे हैं, आपको बता दें वो तस्वीर भी सामने आ गई, हम आपको कुछ ही देर में वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं वो दरअसल अजरबैजान के दौरे पर जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ इस वजह से गए थे क्योंकि वहाँ पर दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे, अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव भी यहाँ पर मौजूद थे। और जानकारी मिल रही है राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से भी संपर्क टूट गया है। देखिए, अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था उससे भी संपर्क टूटा है, क्योंकि दूसरी न्यूज एजेंसियां ये दावा कर रही थी कि जिस हेलीकॉप्टर से संपर्क टूटा है उसमें रईसी सवार नहीं थे। अब एक और न्यूज एजेंसी है जो दावा ये कर रही है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से भी संपर्क टूट गया है, यानी उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ निशांत बने हुए हैं। निशांत, देखिए इस वक्त कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, और जो न्यूज एजेंसीज के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, एज वी टॉक, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन वो सर्च ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो तस्नीम न्यूज एजेंसी उसके हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि फॉगी वेदर जो है उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उसी चॉपर में थे, ये जानकारी भी आ रही है। अब चिंताजनक बात यह है कि जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि जो फर्दर डिटेल्स आ रही है उसमें यह है कि किसी भी लेवल पर कोई भी ना तो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया जा रहा है, और अब धीरे धीरे ये चीजें रिपोर्ट की जा रही है दैट इट वॉज अ हार्ड लैंडिंग, यानी कि वो एक ऐसी लैंडिंग थी जो ठीक नहीं थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ। हार्ड लैंडिंग इज डेफिनेटली नॉट अ स्मूथ लैंडिंग। गवर्नर जो ईस्ट अजरबैजान के थे वो उसमें थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो उसमें थे, और अब जो सबसे बड़ी चुनौती, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि फॉगी वेदर होने के कारण वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो उसको करने में मुश्किल आ रही है। ये अपने आप में ईरान के इतिहास में एक सबसे बड़ा क्राइसिस है, एक सबसे बड़ी क्राइसिस है। और जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो मैंने आपको बताया अभी। जी हाँ, तो निशान जैसा कि हमें बता रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और संपर्क नहीं हो पा रहा है राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से भी, बाकी जो हेलीकॉप्टर है उनसे भी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है तेहरान टाइम्स के हवाले से, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर लापता है। हेलीकॉप्टर की तलाश फिलहाल जारी है, हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है वो पहाड़ी का इलाका है, फॉगी कंडीशन है, यानी वहाँ पर उस वक्त फॉग भी है। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर भी मौजूद हैं। कर्नल, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो इलाका है उसमें जो जानकारी मिल रही है वो मौसम ख़राब होने की जानकारी भी मिल रही है, बताया जा रहा है कि फॉगी है, ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो इलाका है, ये जो टेरेन है वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, मौसम ठीक नहीं है और हार्ड लैंडिंग होने के बाद संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा देखिए, ये हार्ड लैंडिंग का केस तो अब ये लगता नहीं है, इट इज अ प्लेन एंड सिंपल केस ऑफ एयरक्राफ्ट क्रैशिंग। अब उसमें जो अभी तक मैं इसको समझ पाया हूँ और बाकी न्यूज में देख रहा हूँ, इसमें एक हेलीकॉप्टर है या दो हेलीकॉप्टर है, इसमें राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है या उनके काफिले का हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, वहाँ का मौसम खराब है एंड डिफिकल्ट टेरेन है, चैलेंजिंग टेरेन है फॉर फ्लाइंग दे, और नाउ द सिचुएशन वहां पर अभी जो बनती नजर आ रही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हार्ड लैंडिंग में और क्रैश में अलग फर्क ये होता है कि हार्ड लैंडिंग में स्मूथ नहीं होता, वो गिर पड़ता है हेलीकॉप्टर, बट इट मेंटेन्स कॉन्टैक्ट, वैसा नहीं है, इट इज अ प्रॉपर क्रैश। और सर, जैसा कि आप कह रहे हैं वैसी जानकारी भी आ रही है सामने। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो होम मिनिस्टर हैं ईरान के उन्होंने कुछ जानकारी साझा की है इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से जुड़ी हुई, तो मनीष क्या उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है? जी हाँ सुमेरा, पहली बार कोई ऑफिशियल कमेंट आया है और वो कमेंट अभी तक जो है उसने सस्पेंस को और गहरा दिया है। ईरान के होम मिनिस्टर ने यह पुष्टि की है कि तीन में से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, और इसका मतलब यह है कि अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उस हेलीकॉप्टर के अलावा जो दो हेलीकॉप्टर थे, क्या उसमें ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। तो मनीष, हम ये कह सकते हैं कि जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री ईरान के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षित हैं या नहीं इसकी पुख्ता जानकारी उनके पास भी नहीं है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे से पहले का वीडियो सामने आ गया है, ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उससे ठीक पहले का जो वीडियो है वो सामने आया है। ईरानी मीडिया IRNA के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर हादसे से पहले का वीडियो सामने आया, क्योंकि बांध के उद्घाटन के लिए करने के लिए पहुंचे थे राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति भी थे, दोनों उनकी वहां मुलाकात हुई है, फोटो हुआ है, वीडियो है, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात हुई इजराइल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव के साथ, ये जो बॉर्डर है दोनों देशों का यानी अजरबैजान और ईरान का, वहां पर एक डैम यानी एक बांध के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। ये वीडियो देखिए, उद्घाटन के समय का ये वीडियो,
ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इसमें आप देख सकते हैं उनको, और उनके साथ जो अजरबैजानी राष्ट्रपति हैं अलीयेव, वो मौजूद थे। तो ईरानी राष्ट्रपति का ये वीडियो है, दुर्घटना से पहले का ये वीडियो है, मुलाकात है, ईरानी राष्ट्रपति रईसी और अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव मौजूद थे। दोनों ने इस बांध का उद्घाटन किया। ये बांध जब बना है वो अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर के इलाके पर बना है, और देखिए उनके साथ उनके तमाम और अधिकारी मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे। ये अजरबैजानी राष्ट्रपति हैं अलीयेव, तो इब्राहिम रईसी को भी आप इस वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं। यहीं से इसी डैम के उद्घाटन के बाद वापसी के दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक हेलीकॉप्टर, तीन हेलीकॉप्टर थे, देखिए उस बांध की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही उनके साथ जो बड़े अधिकारी मौजूद थे इब्राहिम रईसी के साथ, उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो यह वीडियो सामने आ गया है, बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। यह बांध अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पर बना है, उसी के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। और वापसी के समय, क्योंकि देखिए ये जो टेरेन है, जो इलाका है जहां पर बांध बनाया गया है, ये बॉर्डर का इलाका है, अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर का इलाका, वहां से वापसी के समय तीन हेलीकॉप्टर थे, MI-17I हेलीकॉप्टर, जिसमें इब्राहिम रईसी और उनके साथ तमाम और बड़े अधिकारी और मंत्री सवार थे। अब जो गृह मंत्री की तरफ से पहला आधिकारिक बयान, जो गृह मंत्री है ईरान के, उनकी तरफ से स्वीकार किया गया, बताया गया है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब कहा जा रहा है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन इब्राहिम रईसी सुरक्षित है या नहीं, क्या वो उस हेलीकॉप्टर में थे या नहीं, या वो जिस हेलीकॉप्टर में थे वो इस समय कहां पर है, क्या उसने दूसरी जगह जाकर लैंडिंग की है, या जो नियरेस्ट पॉइंट था वहां पर लैंडिंग की है या नहीं, इसको लेकर कुछ आधिकारिक रूप से बताया नहीं जा रहा है। ईरान की अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरह के दावे कर रही हैं। हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी लगातार बने हुए हैं। निशांत, तो देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले का वीडियो, जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया, और उसमें जहां बांध है उस टेरेन को भी हम दिखा रहे हैं, और इसी टेरेन के बारे में बात की जा रही है कि ये वो इलाका है जो बहुत पहाड़ी इलाका है, मौसम भी ठीक नहीं था। और स्वीकार भी अब जो गृह मंत्री हैं उन्होंने किया है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। देखिए मेरे पास आई हैव सम रियली रियली बैड न्यूज। मेरे पास जो अभी जानकारी आ रही है इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA के हवाले से, उसने क्लियरली रिपोर्ट किया है कि जो हेलीकॉप्टर ईरान के प्रेसिडेंट को ईरान के नॉर्थ वेस्ट इलाके में कैरी कर रहा था वो क्रैश हो गया है। ये IRNA न्यूज एजेंसी, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी जो है उसने ये रिपोर्ट किया है। सो आई रियली डोंट हैव अ वेरी गुड न्यूज यहां पर एक आपको बताना चाहूंगा। एक और अपडेट जो मेरे पास आ रहा है वो ये खबर आ रही है कि रेड क्रेसेंट की जो टीम है वो भी निकल चुकी है, मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो निकल चुकी है फॉर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन, ये जानकारी आ रही है। लोकल रेजिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का जो स्टेटस है उस इलाके में वो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, फॉगी कंडीशंस है। वो ये बताया जा रहा है एक फोन कॉल प्रेसिडेंट के कंपेनियन को किया गया, कंपेनियन की तरफ से किया गया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में फॉलोइंग द एक्सीडेंट। अब उससे लग रहा है कि शायद कोई होप हो, एक फोन कॉल किया गया था कि जो प्रेसिडेंट के कंपेनियन है उनकी तरफ से, और मैं आपको तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दे रहा हूं, उससे एक होप है सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की तरफ से फॉलोइंग द एक्सीडेंट। लेकिन जो मेरे पास अलग अलग सोर्सेस से जानकारी आ रही है इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज। IRNA ने कहा है कि वो चॉपर जो कि प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा था वो क्रैश हो गया है। लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत उस इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं बहुत स्केची डिटेल्स आ रही हैं क्योंकि फॉगी कंडीशंस हैं। रेड क्रेसेंट और रेस्क्यू टीम जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिलिट्री उन सबको रवाना कर दिया गया है, बट इट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन राइट नाउ। जी हाँ, तो जैसा कि निशांत हमें जानकारी दे रहे हैं इस वक्त चिंताजनक हालात बने हुए हैं क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो बड़ी जानकारी जो हमारे पास है इस वक्त वो ये कि ईरानी गृह मंत्री के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी गृह मंत्री ने कहा है कि क्रैश वाली जगह नहीं पहुंचा है बचाव दल, यानी जहां क्रैश हुआ है वहां अभी तक बचाव दल नहीं पहुंच पाया है। ईरानी गृह मंत्री के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, उन्होंने कहा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वहां क्रैश वाली जगह पर जहां क्रैश हुआ है वहां पर बचाव दल नहीं पहुंच पाया है क्योंकि खराब मौसम है, इसकी जानकारी भी लगातार मिल रही है। और बताया ये जा रहा है कि ईरानी गृह मंत्री के हवाले से जो जानकारी है वो ये कि ये जो जगह है जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई है इस एक हेलीकॉप्टर की, वहां तक अभी बचाव दल नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा और भी जानकारी इस दुर्घटना से जुड़ी हुई कोई उस इलाके से निकलकर सामने नहीं आ रही है, जैसे कि हमें निशांत भी बता रहे थे कि वहाँ जो लोकल रेजिडेंट्स हैं या कोई और लोग, कुछ सी और तरह की पुष्टि नहीं हो पा रही है अभी।
ये जो इलाका है वो बहुत दूर दराज का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ख़राब मौसम था, फॉगी कंडीशंस हैं, यानी अभी भी वहाँ पर कोहरा और धुंध है, और ऐसे में बचाव दल भी वहाँ नहीं पहुँच पाया है जहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सस्पेंस बना हुआ है, अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है, आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति सुरक्षित हैं या नहीं, क्या वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे या नहीं, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के बारे में क्या जानकारी है उसको लेकर भी आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ईरान की जो एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो अलग अलग दावे कर रही हैं। हम आपको ये क्रैश जो हुआ है उससे ठीक पहले का जो वीडियो है इब्राहिम रईसी का, वो हम दिखा रहे हैं आपको। यही वो इवेंट था जिसमें वो गए थे, यही वो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीयेव के साथ उन्होंने जो बॉर्डर का इलाका है, अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर का इलाका, वहाँ पर एक बांध का उद्घाटन किया, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे थे ईरानी राष्ट्रपति, और वहीं से वापसी के दौरान ये उनके काफिले में से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हमारे साथ सुमित बने हुए लगातार। सुमित, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल सुमेरा, इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार अभी कितने क्या वहाँ का ऑपरेशन का मूवमेंट है, अभी ना सिर्फ वहाँ के जो होम मिनिस्टर, इंटरनल मिनिस्टर, बल्कि इसके अलावा जो फोर्सेज है वो भी ये बता रहे हैं कि इस वेदर कंडीशन के अंदर बहुत इम्पॉसिबल है कि वहाँ से कम्युनिकेट किया जा सके। ये पूरा इलाका क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं फॉरेस्ट डेंसिटी, फॉरेस्टेड इलाका है, बहुत ज्यादा फॉग है, इस इलाके में ऑपरेशन चलाने के लिए बहुत मुश्किल आती है। इसीलिए ना सिर्फ आप देखें कि इसमें हेलीकॉप्टर्स को, सर्च ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के बाद भी वो विजुअल्स का कैप्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर अगर आप देखें कि इन सारी चीजों के लिए कि कैसे वो इस चीज को ऑपरेट करते हैं, कैसे वहां से लोगों को संपर्क कर पाते हैं, एक बड़ा चैलेंज सबसे बड़ा यही आप इनके सामने खड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि प्रेसिडेंट की बात है, इनके अलावा कई और डेलीगेट्स हैं, तो ये ट्राई किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो रिमोट जो टीम्स हैं, जो क्यूआरटीज हैं, उनको उस इलाके में मूव किया जाए। जी हाँ, तो हार्ड लैंडिंग वाली जगह नहीं पहुंचा है बचाव दल, ये गृह मंत्री बता रहे हैं। लेकिन सुमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो सामने आ गया है, ये जो इलाका है वहाँ के गवर्नर मौजूद थे, उनके साथ विदेश मंत्री मौजूद थे, हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए लगातार, और उनके पास इस वक्त कुछ और बड़ी खबर आ रही है। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सुमेरा, सबसे हैरानी की बात यह है कि चाहे ईरान की मीडिया के हवाले से हो या फिर लोकल अलग अलग एजेंसी के हवाले से हो, ये खबर तो आ रही है कि ईरान के जो दूसरे मंत्री थे, जैसे कि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्री, उनका हेलीकॉप्टर पहुंच गया है किसी सुरक्षित जगह पर, लेकिन ईरानियन राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के सुरक्षित होने की बात अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए ईरान के गृह मंत्री मोहम्मद मेहदी हैं, उन्होंने जो अब तक जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनके राष्ट्रपति के काफिले का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। उनका यह भी कहना है कि 16 टीमें रवाना की गई है, ड्रोन से वहां पर सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, खराब वेदर और टेरेन की वजह से वहां पर पहुंचा नहीं गया है। दूसरे और मंत्री के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री के किस हालत में है, क्या वो सुरक्षित है, कहाँ है, नहीं है, इसके बारे में। मनीष, ये राष्ट्रपति की बात है, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सुरक्षा और वो सुरक्षित है या नहीं, उससे जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में उनसे जैसे ही संपर्क होगा, मुझे लगता है सबसे पहले आधिकारिक रूप से इस बात को बताया जाएगा, क्योंकि इस समय हर कोई चिंतित है उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में हर कोई जानना चाहता है, और आधिकारिक रूप से कुछ अभी बताया नहीं जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, तो सेना भी इसमें शामिल हो गई है, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 हेलीकॉप्टर थे, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ईरानी सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है, लेकिन ये जो इलाका है वहाँ पर मौसम ठीक नहीं है, इसी वजह से जहाँ ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर, वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है, इसलिए सेना भी इसमें शामिल है, इसलिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त हर किसी को इंतज़ार है इस बात का कि आधिकारिक रूप से ये जानकारी सामने आए कि दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इस समय कहाँ हैं। तो देखिए ये तस्वीर भी सामने आई है, देखिए एक तस्वीर, ये तस्वीरें हैं ईरानी राष्ट्रपति की अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के साथ, माफ़ कीजिएगा ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ जो डैम के उद्घाटन के लिए जब वो पहुंचे थे वो आज की तस्वीरें हैं, वो ताज़ा तस्वीरें हैं इस सफ़र से पहले की। तो देखिए ये तस्वीरें, वीडियो जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये उस जगह का वीडियो है जहाँ से वो सफ़र कर रहे थे, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और फिर राजधानी के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अल जजीरा मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है,
ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। क्रैश साइट पर तलाशी अभियान जारी है। ईरान के जोल्फा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वो इलाका जहां पर ये क्रैश साइट है वो जोल्फा इलाका है ईरान का, और वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी वहां पर टीम्स पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जिसमें सेना की टीम भी शामिल है। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है यहां पर पहुंचने के लिए जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम ठीक नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही है यहाँ इस इलाके में जो क्रैश साइट है वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इब्राहिम रईसी से संपर्क होने की बात ईरानी सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है। गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, और ये भी कहा है कि वहाँ तक बचाव दल अभी नहीं पहुँच पाया है। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर भी बने हुए हैं। सर, आप भी ये कह रहे थे कि देखिए ये मामला हार्ड लैंडिंग का नहीं लग रहा है, ये क्रैश लैंडिंग का लग रहा है, और इस तरह की जानकारियां अब निकलकर सामने भी आ रही हैं। लेकिन ये जो इलाका है वहां गृह मंत्री का कहना है कि अभी तक बचाव दल पहुंचा नहीं है, इसलिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सुमेरा, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये जब हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट क्रैश होता है वो कहाँ पर गिर जाए किसी को पता नहीं है, वो जो रूट फ्लाइट का रूट होता है उसी के हिसाब से सर्च की जाती है। तो कई टीम्स बनेंगी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे और उसमें वो ढूंढा जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कम्युनिकेशन है। सर, एक चीज़ जो मीडिया के लिहाज से ज़रूरी है वो ये है कि अगर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सेफ होता या राष्ट्रपति सेफ होते तो ईरान सबसे पहले घोषणा करता ताकि कोई आशंका या अफवाह जन्म न ले। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति के और विदेश मंत्री के बारे में कुछ कहने में असमर्थ हैं तो ये एक धारणा को जन्म जरूर देता है कि वो उन्हीं का हेलीकॉप्टर था और उन्हीं के साथ कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जो एस्टैब्लिशमेंट बताने या कन्फर्म करने से कतरा रहा है। जी, क्योंकि अगर उन्हें जरा से भी जानकारी होती सबसे पहले बता। जो अभी तक गृह मंत्री ने बयान दिया है उससे ऐसा लग नहीं रहा कि उनका संपर्क हो पाया है, संपर्क नहीं हो पाया है अभी तक, और वहां पर बचाव दल भी पहुंच नहीं पाया है। तो क्या स्थिति है ये अभी मालूम नहीं है ऐसा लगता है। जी हाँ, इस पर हेलीकॉप्टर क्रैश एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल चीज होती है। द मोमेंट पूरा हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है, आपने जाने कितने हेलीकॉप्टर क्रैश कवर किए होंगे। जी, और इस बीच सर देखिए, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर आ रही है ईरानी गृह मंत्री के हवाले से। बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी जानकारी आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से। बताया जा रहा है कि ईरानी गृह मंत्री ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति रईसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो राष्ट्रपति रईसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आधिकारिक रूप से तक अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मनीष, तो देखिए ये जब गृह मंत्री की तरफ से बयान आता है कि राष्ट्रपति रईसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो क्या इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हीं का हेलीकॉप्टर है जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई है और अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि घटना बहुत बड़ी है, ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री से जुड़ी बात है, और अगर उनसे किसी भी तरह की सूचना मिली होती तो ईरान के गृह मंत्री का जो बयान आया, ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी का बयान आया है कि हम कोशिश कर रहे हैं उन तक संपर्क करने की, लेकिन अब तक उनसे या उनकी टीम में मौजूद किसी से भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, दूसरे मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी मिल रही है, दूसरे और लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन यही लगातार हम बात कर रहे थे कि अगर संपर्क हो जाता या उन्हें कोई भी जानकारी मिलती तो सबसे पहले बताया जाता, क्योंकि वो किसी भी तरह का संशय इस बात को लेकर नहीं रखना चाहेंगे। जैसे ही संपर्क होगा सबसे पहले बताने की जरूरत होगी ईरानी जनता को भी, बाकी तमाम लोग भी नजरें इस वक्त गड़ाए हुए हैं इस बुरी खबर पर कि दरअसल क्या स्थिति है, इब्राहिम रईसी सुरक्षित है या नहीं। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी भी मौजूद है। मनीष, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन विनोद ऑगस्टीन जी, एक बड़ा सवाल है हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग से जुड़ा हुआ। ये जो हेलीकॉप्टर है इसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन आम तौर पर जब हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं तो फिर बहुत जो दुर्घटना है वो किस तरह की हो सकती है, इस तरह का जो इलाका है उसमें और क्रैश हुआ है, ये अब जानकारी आ रही है लगातार सामने। विनोद ऑगस्टीन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है, विनोद ऑगस्टीन जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर मौजूद हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, कितना भी सुरक्षित हेलीकॉप्टर हो अगर उसकी क्रैश लैंडिंग होती है इस तरह के इलाके में तो किस तरह के हालात बनते हैं उस समय?
देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग हमारे जो भी बहुत ही रिसेंट मेमोरी में है, जैसे जनरल बिपिन रावत का हमने देखा था, पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर और सारे सवार लोग सिवाय एक आदमी के जो कि कुछ दिन तक जिंदा रहे, तो उस तरीके क्रैश होता है, आग लग जाती है और हेलीकॉप्टर बहुत ही वल्नरेबल प्लेटफॉर्म होता है, कोई पैराशूट से कूद नहीं सकता, एवरीबॉडी गोज डाउन और वो जाकर के गिर जाता है। यही हाल एयरक्राफ्ट का होता है सिवाय फाइटर प्लेन के, जिसमें कि इजेक्शन की एक सुविधा है, अदरवाइज किसी में नहीं है। तो जब एरियल प्लेटफॉर्म क्रैश होते हैं तो उसमें जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो बड़ा ही भयावह होता है, बड़ा ट्रेजिडिक होता है। तो इसमें ट्रेजिडी यही है कि सारे सवार और सारे पायलट मुश्किल होता है, और खास तौर पर इनके बारे में अभी संशय इस तरह का इलाका हो, क्या क्या तब और ज्यादा हालात गंभीर हो सकते हैं, जब इस तरह का टेरियन हो, इस तरह का इलाका हो जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर और ज्यादा मुश्किल क्या हो जाता है। जी हमारे साथ जी जी द्विवेदी जी भी मौजूद है। सर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर हमने भारत में भी एक दो नहीं कई इस तरह के मामले देखे जिसमें की जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल होता है। ये जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस इलाके के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो पहाड़ी इलाका है, मौसम ठीक नहीं है, ऐसे में अगर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो किस तरह के हालात बनते हैं? देखो सबसे पहले तो ये MI-17 हेलीकॉप्टर है, ये बहुत ही एक कारगर और एक बहुत ट्राइड आउट इक्विपमेंट है, क्योंकि मैं खुद भी इसमें बहुत ही सफर किया जब मैं कमांड कर रहा था, तो इसलिए सबसे पहले तो है कि ये बहुत एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, और दूसरा क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट खुद सफ़र कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो एक बहुत ही उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी देखे जाते हैं। अभी ये जो है कि ये जो क्रैश हुआ है, ये अज़रबैजान में वो जा रहे थे तो उस इलाके में क्रैश हुआ है, तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। ये इंसिडेंटली जो जहां हमारे पहले CDS रावत साहब जब उनका भी क्रैश हुआ था वो भी MiG-17 ही था, तो इसमें तीन चार कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंजन फेलियर होती है, ये बहुत कम हो सकता है क्योंकि इसमें दो इंजन होते हैं। जी सर, सर माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास लगातार जानकारी आ रही है। पहले हम ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दें, हेलीकॉप्टर जहाँ क्रैश हुआ है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। ये हेलीकॉप्टर डिजमार जंगल में क्रैश हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। क्रैश साइट की लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, क्रैश साइट कहाँ है, एक्चुअली कहाँ पर है, ग्राउंड जीरो पर, वो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी लगातार बने हुए। निशांत मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरानी गृह मंत्री के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हेलीकॉप्टर से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। हार्ड लैंडिंग वाली जगह पहुंच रही है रेस्क्यू टीम, यानी रेस्क्यू टीम भी अभी वहां नहीं पहुंची है, संपर्क भी नहीं हुआ है, ये ईरान के गृह मंत्री की तरफ से बताया गया है। तो देखिए दो बड़ी खबरें इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं, एक ये कि वो लोकेशन जहां पर हुआ है ये क्रैश उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं डिजमार, और देखिए ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तमाम लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी तस्वीरें भी। हमारे साथ सुमित मौजूद हैं। सुमित, राष्ट्रपति रईसी को हम देख सकते हैं, विदेश मंत्री सवार थे, और कौन कौन उनके साथ सवार था इस हेलीकॉप्टर में? देखिए उनके स्टाफ के दो लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी के चार ऑफिसर लगभग, हालांकि नंबर्स अभी भी डिसाइड नहीं किए गए, लेकिन ये कुछ पहली तस्वीरें उन चार लोगों की जो लगातार उनके साथ मौजूद थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार सुमेरा की पहले जब बात की गई, जब लैंडिंग के तुरंत बाद सैटेलाइट फोन से संपर्क साधा गया, कभी भी जब ऐसी लैंडिंग होती है तो उसमें तीन चार ऑप्शन ही होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन ये होता है कि आप उनके साथ सीधे या तो रडार या फिर आप उनके उनके ATC से संपर्क कराएं या फिर उनसे सैटेलाइट फोन से संपर्क करें, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक सैटेलाइट फोन हमेशा उनकी टीम कैरी करती है। लेकिन इसमें जो है वो सैटेलाइट का फोन करने के बाद एकदम तुरंत बाद उनका फोन कट गया, अब तक उससे संपर्क दोबारा से नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो टीम के पास है वो यही है कि कैसे इनको संपर्क किया जाए दोबारा, और अभी क्योंकि लगातार टीमें जो है ऑन वे है, और इस पूरे इलाके में सबसे दिक्कत जो आ रही है सुमेरा वो आ रही है कि ये 5 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है यहाँ पर टीम पहुंचेगी, वो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है जहां से पहुंचेंगी टीमें, अगर सेना की टीम यहां पहुंच रही है, जो रेस्क्यू टीम पहुंच रही है, और कितना समय लग सकता है उन्हें? देखिए यहाँ पर समय लगने की बात तो अभी भी बताई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि तेहरान से ही ये पूरा इलाका करीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर है, अज़रबैजान ईस्टर्न अज़रबैजान के इलाका है, और इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि इस इलाके में सुमेरा अभी भी फॉग इस तरीके की है,
कि वहां पर 5 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है, ऐसे में विजिबिलिटी नहीं है तो फिर टीम कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और इसी चीज को लेकर लगातार टीम जो है वो बातचीत कर रही है, वहां पर संपर्क किया जा रहा है, ड्रोन से लगातार मूवमेंट की जा रही है, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी वहां पर चला जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टीम को अब तक वो पिन पॉइंटेड लोकेशन नहीं मिल पाई है जहां पर ये लैंडिंग की गई थी, यानी हार्ड लैंडिंग जिसकी बात लगातार कह रहे हैं वो कहां पर की गई थी। और सुमित, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ईरान में इस समय शाम के 5:30 बज रहे हैं लगभग, ये समय ईरान में यानी शाम का समय, और फॉगी कंडीशन है यानी विजिबिलिटी बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है ये, तो ये सारी जो वजहें हैं उसकी वजह से रेस्क्यू टीम का यहाँ पहुँचना मुश्किल है काफ़ी, और इसी वजह से अब तक रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं पहुँच पाई है। हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी भी लगातार बने हुए हैं और उनके पास भी कुछ अपडेट है। मनीष, आपके पास भी अपडेट है, मैं आऊँगी, उससे पहले निशांत के पास जो अपडेट है वो ले लेते हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है? निशांत हमारे साथ इस समय नहीं है। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि देखिए शाम का समय हो गया है, जो सुमित भी जानकारी दे रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है, क्या इसी वजह से यहाँ रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में दिक्कत हो रही है और लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही है? बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर यह घटना घटी है, जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो घटनास्थल का पहला वीडियो है, जो रेस्क्यू टीम, अभी की खबर यह है कि रेस्क्यू टीम उस जगह पर पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची है तो किस तरह का टेरेन है, किस तरह की लोकेशन है, वो वीडियो अब सामने आ गया है। और उस वीडियो को अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जहां पर ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है, और जो बात लगातार हम कह रहे थे कि फॉगी वेदर है, जो बात हम कह रहे थे कि टेरेन बहुत मुश्किल वाला है, वहां पहाड़ी रास्ता है, काफी दुर्गम इलाके में, वहां पर किसी तरह से रेस्क्यू टीम पहुंचती है। और रेस्क्यू टीम, और मनीष आपको रोक दे, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, रेस्क्यू टीम की सबसे पहली तस्वीर सामने आ गई है, हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर, क्योंकि रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल किस तरह का मौसम है। तो देखिए, हम आपको जो बता रहे थे लगातार, ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, फॉगी हर तरफ, देखिए विजिबिलिटी बहुत कम है, धुंध दिखाई दे रही है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, ये जानकारी मिल रही है। ये पहला वीडियो, पहली तस्वीरें सामने आई है रेस्क्यू टीम की वहां पहुंचने की, जहां पर विमान जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है, और देखिए हालात किस तरह के हैं, और इसी वजह से बताया जा रहा था कि यहाँ पर पहुंचना मुश्किल है, समय लग रहा है। देखिए ये रेस्क्यू टीम है जो पहुंची है वहां पर जहां पर क्रैश लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की। लेकिन देखिए ये तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई और जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है, सुरक्षित हैं या नहीं इब्राहिम रईसी, उनके हेलीकॉप्टर की क्या स्थिति है, वो जानकारी अभी तक सामने नहीं है। लेकिन ये पहली तस्वीरें, ये पहला वीडियो साझा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए ये हैं वो तस्वीरें, ये है वो जगह, और इससे साफ हो जाता है कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, किस तरह का ख़राब मौसम था। ये पहला वीडियो है जो सर्च ऑपरेशन का जारी किया गया है, जहाँ राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका ये वीडियो है, और वहाँ पर सर्च टीम पहुँचने का पहला वीडियो जो दिखा रहा है साफ तौर पर कि देखिए बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, फॉग है, पहाड़ी इलाका है, ये मुश्किल टेरेन है बहुत जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो जो जानकारी मिल रही है, जो लेटेस्ट डेटा है इमरजेंसी, जो देखिए अलग अलग जानकारी, जो ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स है उसने अभी तक और कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये वीडियो ज़रूर साझा किया है, हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो देख रहे हैं आप, एक तरफ इब्राहिम रईसी का जो आखिरी वीडियो हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले का वीडियो, और उसके बाद रेस्क्यू टीम जहां पहुंची है वहां का वीडियो है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं अभी तक। रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने का पहला वीडियो ज़रूर सामने आए, और देखिए हम यहां आपको बिग वॉल के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वो देखिए रेस्क्यू टीम है जो पहुंच गई है, लेकिन आपको इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा होगा कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोहरा हर तरफ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी इलाका है, और इसी वजह से कहा जा रहा था कि समय लग रहा है वहाँ पर टीम को पहुँचने में। तो देखिए आप ये देख सकते हैं रेस्क्यू टीम के सदस्य, ये पहला वीडियो है जो सामने आया है रेस्क्यू टीम का, ये इलाका किस तरह का है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।